हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अमित आनंद एंड आई एम एडुकेट ऑफ कैट एंड आई टीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एलआरडीआई सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व अ रैंडम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू अगर आप देखते हैं यहां पे चार क्वेश्चन इधर है और चार क्वेश्चन आपके इस फ्रंट में है. सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं नहीं तो अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए बैठोगे इसको तो आप बहुत ज़्यादा टाइम टेकन ले लोगे और सॉल्व हो जाएगा लेकिन मिनिमम टाइम में सॉल्व कर करना पड़ता है तभी हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं तो सबसे पहले हम इस पोर्शन का बात करते हैं इस चारों क्वेश्चन का ये चारों क्वेश्चन नाइन नाइनटी नाइन पर डिपेंड है यानी चारों जगह कुछ ना कुछ डिजिट आपका यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे क्या आएंगे आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पे क्या आएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे जो इसका कंसेप्ट हिडन कंसेप्ट है क्या तो अगर हम नाइन का कंसेप्ट देखते हैं इससे अगर हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं मिस्डेट अगर मान लीजिए हम थ्री फाइव सिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा अगर नाइन नाइन्टी नाइन को थ्री फिफ्टी सिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा यहाँ पे? ये यह आपको देखना है ठीक है तो थ्री फिफ्टी सिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ से एक डिजिट कम कर दीजिए माइनस कर दीजिए तो थ्री में आप वन माइनस करते हैं तो आता कितना है कितना यहाँ पे 355 फिफ्टी फाइव यहाँ तक हमको करना है उसके बाद क्या करना है फर्स्ट में क्या है थ्री सेकेंड में क्या है फाइव और थर्ड में क्या है आपके फाइव तो थ्री में कितना ऐड कीजिएगा जो नाइन आ जाएगा तो थ्री में हम सिक्स ऐड करेंगे तो मेरा नाइन आ जाएगा फाइव में कितना ऐड कीजिएगा जो नाइन आ जाएगा फोर ऐड कीजिएगा तो नाइन आ जाएगा और इस फाइव में कितना ऐड कीजिएगा तो नाइन आ जाएगा फोर ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा तो नाइन नाइन्टी नाइन को अगर हम थ्री फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है ये तो क्या कंसेप्ट समझ में आया आप कैलकुलेटर पर चेक कर भी सकते हैं जो नाइन नाइन्टी नाइन है उसको आप थ्री फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे तो हम कर सकते हैं ना जो बच्चों का मेथड है नाइन फिफ्टी फोर का फोर हो गया फाइव फिफ्टी फोर और फाइव कितना हो गया फिफ्टी नाइन फाइव हो गया फिर फिफ्टी फोर और फाइव क्या हो गया फिफ्टी नाइन तो अब यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी फाइव हो जाएगा फोर फिफ्टी फाइव फोर फोर्टी नाइन ठीक है इस टाइप से मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर सकते हैं यही आप कहेगा थ्री फिफ्टी फाइव सिक्स फोर फोर ठीक है तो अगर इस का लॉजिक आपको पता लग गया तो इसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे हैं 356 से एक ज़्यादा एक कम कर किए तो यहाँ पर 355 आया और थ्री में हम ऐड किए सिक्स को यानी फर्स्ट आपको डिजिट लेना है थ्री इसमें ऐड किए सिक्स को नाइन आया फाइव में फोर किए नाइन आया और फाइव में फोर एड किए नाइन आया इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है नाइन नाइन्टी नाइन इंटू ए बी सी इंटू डी एफ वन थ्री टू आपको पता है यहाँ का डिजिट क्या था फोर फोर में हम कितना ऐड किए तो नाइन आया फाइव फाइव में कितना ऐड किए तो नाइन आया फोर यहाँ पे टू है तो टू में कितना ऐड कीजिएगा तो नाइन आएगा सेवन यहाँ पे कौन सा डिजिट आएंगे सेवन थ्री में कितना ऐड कीजिएगा तो नाइन आएगा सिक्स और वन में कितना ऐड कीजिएगा तो नाइन आएगा एट एंड इसका वैल्यू कितना आया एट सिक्स सेवन अब आपको पता है जो भी ये वैल्यू होते हैं थ्री फिफ्टी फाइव ठीक है इससे एक ज्यादा यहाँ पे होते हैं थ्री फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे अगर मेरा एट सिक्स सेवन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एट सिक्स एट यानी कि ए का वैल्यू एट बी का वैल्यू सिक्स सी का वैल्यू एट डी का वैल्यू एट ई का वैल्यू सिक्स और एफ का वैल्यू सेवन तो समझ में आया हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से अगर यहाँ पे 999 नाइन्टी नाइन इंटू तो आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है क्या यहाँ बताएं है नाइन बता नाइन्टी में इंटू थ्री फिफ्टी सिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से एक डिजिट कम हो जाता है यहाँ पे थ्री फिफ्टी सिक्स है तो थ्री फिफ्टी फाइव तो यहाँ पे थ्री ट्वेंटी सिक्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा थ्री ट्वेंटी फाइव उसके बाद क्या है थ्री में कितना ऐड कीजिएगा नाइन आएगा सिक्स टू में सेवन फाइव में फोर ये मेरा रिजल्ट आ गया ठीक है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए नाइन नाइन इंटू फाइव टू सिक्स है तो देखिए एक ज़्यादा है यहाँ तो यहाँ पर अगर एक ज़्यादा तो यहाँ देखिए एट सिक्स एट था तो एक कम था यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा एक कम होगा यहाँ पर फाइव टू फाइव आप फाइव में कितना ऐड कीजिएगा नाइन आएगा फोर टू में कितना ऐड कीजिएगा सेवन और फाइव में कितना ऐड कीजिएगा फोर इसका भी रिजल्ट आ गया नाइन नाइन्टी नाइन इंटू एट सेवन टू इक्वल टू दिया हुआ ए बी सी इंटू वन ट्वेंटी एट तो यहाँ पर तो सीधा हम देखेंगे यहाँ से एट सेवेंटी वन यानी कि एक कम होगा एट सेवेंटी वन जैसे यहाँ पे कम के फिफ्टी सिक्स एक कम थ्री फिफ्टी फाइव तो एट सेवेंटी टू से एक कम एट सेवेंटी वन तो देखिए सेटिस्फाइड तो हो रहा है एट वन नाइन सेवन टू नाइन वन एट नाइन हाँ सेटिस्फाइड हो रहा है तो सारे क्वेश्चन का इसमें हम जवाब देख लिए तो आपको ये पैटर्न होना चाहिए ये आपके ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं और बाकी इस पैटर्न पे बनाया हुआ है जो आपको ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है तो ए बी सी डी बताइए इस फॉर्म को हिडन कर दे इस फॉर्म को हिडन कर दे पूरे टर्म को ही हिडन कर दे कुछ भी पूछ सकता है ठीक है अब हम बात करें जब नाइन नाइन्टी नाइन का बात हुआ है तो अगर हम कहें जो नाइन का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है मेरा एट्टी वन ओके अगर हम कहेंगे चलिए यहां तो तो सही है बच्चा लोग भी बता देगा नाइन नाइन्टी नाइन्टी नाइन का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा यहां भी अगर आप बता देते हैं तो इसका बताइए चलिए ये भी आप बहुत कैलकुलेशन है जिसका आप कंप्यूटर जवाब ही नहीं दे सकता है इसका स्क्वायर कितना होगा नाइन का स्क्वायर एट्टी वन ठीक है नाइन्टी नाइन का स्क्वायर बता सकते हैं नाइन एट जीरो वन लेकिन जब इस पे आएंगे फिर आप कंफ्यूज मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप इतना बड़ा डिजिट का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालेंगे जिसको दो बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट है तो देखिए यहाँ पर बस देखना है एट है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है वन है 99 का स्क्वायर जब आप करते हैं ना या किसी भी 999 वाले का टर्म का जितना टर्म आपको दे दे 9 जितना टाइम्स दे दे तो आपको क्या करना है बस इसको ध्यान रखना है नाइन के स्क्वायर क्या होता है एट्टी वन ओके अब आपको क्या करना है ये टर्म का आप नाइन का स्क्वायर लिख लिए एट्टी वन उसके बाद कितना नाइन और है तो एक नाइन और यानी कि एक डिजिट और है तो इसमें से क्या कीजिए एक माइनस कीजिए कितना होगा जीरो इसमें एक प्लस कीजिए नाइन रिजल्ट क्या हो जाएगा ये जस्ट लाइक like इसमें समझिए अगर इसमें अच्छा से नहीं समझें तो हमको एट्टी वन तो लिखना ही है एट वन अब देखना है एक नाइन का स्क्वायर एट्टी लिख लिए तो अब कितना नाइन बचा हुआ है दो नाइन तो इसमें एक माइनस के कितना आया है जीरो तो उसको दो बार लिखना है जितना बार यहाँ डिजिट उतना बार एक बार माइनस के तो जीरो उतना बार जीरो को लिखना है और एट में एक बढ़ाना है यहाँ पर एक माइनस करना है तो एक इसमें बढ़ाना है तो नाइन दो बार डिजिट है तो नाइनटी नाइन हो गया आंसर सेम इसको करेंगे तो नाइन का स्क्वायर क्या होगा मेरा एट्टी वन आप देखिए कि डिजिट काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात एक कम जीरो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात फिर एक बता दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात ये मेरा आंसर हो गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको ये टर्म पता हो जो नाइन स्क्वायर एटी वन होता है तो एट वन का क्या यूज है आगे के टर्म में वो हम आसानी से इसके अकॉर्डिंग मालूम कर सकते हैं ठीक है सेम एज़ अगर हम कहें सिक्स का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेगा थर्टी सिक्स सर ओके सिक्सटी सिक्स का थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए सिक्स 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 का थोड़ा और कन्फ्यूज हो गए सिक्स 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 का हमसे नहीं हो पाएगा सर टाइम लगेगा उसके बाद इसका अब तो हो गया सर अब तो कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा तो बिना कैलकुलेटर का अगर हम सॉल्व करें इसको तो देखिए आप आसानी से सिक्सटी सिक्स का कितना हो रहा है थ्री सिक्स सेम टर्म उसके जो इसमें किए वही इसमें करना है यहाँ लिखेंगे थ्री यहाँ लिखे हम सिक्स आप देखिए सिक्स का स्क्वायर तो आप लिख लिए कितना डिजिट और है एक एक माइनस कीजिए कितना होगा पाँच एक प्लस कीजिए कितना होगा फोर ये मेरा आंसर हो गया ओके सेम है जी इसमें सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स कितना डिजिट और है दो तो एक माइनस किए फाइव वो टू टाइम्स लिखाएगा एक प्लस कर दीजिए तो वो भी दो बार लिखेगा दो है तो दो बार यहाँ पर देखेंगे थर्टी सिक्स कितना और रिमेनिंग है वन टू थ्री तो एक माइनस किए तो कितना आया था फाइव तो वन टू थ्री और एक प्लस कीजिए फोर उसको भी वन टू थ्री टाइम्स हो गया आंसर इसमें देखेंगे थर्टी सिक्स तो थ्री यहाँ पे सिक्स अब देखें कितना डिजिट और है एक दो तीन चार पाँच तो एक माइनस किए तो फाइव दो तीन चार कितना है दो तीन चार पाँच छ पाँच छः लिख लिए दो तीन छः और एक बढ़ा दीजिए एक दो तीन चार पाँच आपका आंसर हो गया तो इतने बड़े बड़े डिजिट का स्क्वायर हम आराम से मालूम कर सकते हैं अगर आपको ये रूल पता है तो एज अगर हम थ्री का स्क्वायर देखें थ्री का स्क्वायर कितना होता है जीरो नाइन चलिए थर्टी थ्री का स्क्वायर कितना होता है थोड़ा तो कन्फ्यूज होंगे अगर नहीं याद है तो थ्री थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री 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 का स्क्वायर कितना होता है अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ भी कर तो सेम टर्म ही यूज करेंगे जीरो लिखेंगे ये और क्या है नाइन लिखेंगे उसके बाद कितना डिजिट और है कितना थ्री और है एक थ्री एक थ्री एट इसमें एक माइनस करेंगे कितना होगा एट इसमें एक प्लस करेंगे वन देखिए वन जीरो एट नाइन होता भी है थर्टी थ्री का स्क्वायर अब थ्री का स्क्वायर क्या होता है जीरो नाइन तो वो तो हम लिख लेंगे कितना थ्री और है दो तो इसमें एक माइनस की एट वो दो बार लिखना है इसमें एक प्लस करेंगे वन तो उसको दो बार लिखना है इसमें थ्री का स्क्वायर कितना हुआ नाइन तो जीरो नाइन लिखना है फिर आपको कितना थ्री है वन टू थ्री फोर तो यहाँ लिख देते हैं ये जीरो ये नाइन है तो वन टू तो थ्री फोर और है तो एक माइनस करना है एट उसको फोर टाइम्स लिखिए और जीरो में वन एट कीजिए वन उसको भी फोर टाइम्स लिखिए तो आराम से हम इसका इसका हम स्क्वायर करके बता सकते हैं थर्टी थ्री का स्क्वायर कितना होगा बड़े बड़े डिजिट का स्क्वायर करके हम बता सकते हैं और भी बहुत कैलकुलेशन है लेकिन जो क्वेश्चन था उसके थ्रू तो यही कंसेप्ट था ये एक्स्ट्रा है आप लोग जो आप लोग इस पर भी वर्क कर सकते हैं जहाँ भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए जहाँ भी इस टाइप के डिजिट आए तो वहाँ पर आप, आप आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपको सिक्स 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 का स्क्वायर दे देगा फोर 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 थ्री बीच का डिजिट ये फाइव 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 गाइब कर देगा मिस कर देगा और सिक्स दे देगा देगा तो यहाँ पर ए ए ए आएगा तो ए में ए का वैल्यू क्या होना चाहिए इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं तो हम आगे सारे क्वेश्चन जो बनेंगे इस टाइप पर उस पर हम बात करेंगे आगे ठीक है तो अभी मैंने जो क्वेश्चन इधर सॉल्व किया था उसका सारा कुछ आप जान जानके कैसे हम सॉल्व करते हैं यानी कैलकुलेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उस बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन आपके इधर थे ठीक है अब हम इधर जो क्वेश्चन है ये आपके कैट के पेपर क्या हैं ये भी आपके कैट के पेपर हैं के और इस टाइप के पैटर्न भी आपके कैट के पेपर में बनते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे ये तो कैलकुलेशन है आपका लेकिन आपको कैलकुलेशन को बेस्ट करना है धीरे धीरे हम वर्क करेंगे और हम लोग मिल के स्ट्रॉन्ग करेंगे हम भी सॉल्व करेंगे तो आप भी सॉल्व करोगे मेरे साथ तब हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को हम लें ये क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं टू थाउजेंड एटीन बाई टू थाउजेंड नाइनटीन प्लस रूट अंडर टू थाउजेंड एटीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2019 का स्क्वायर प्लस 2018 का स्क्वायर प्लस वन इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे उसको सॉल्व करेंगे आपको टाइम लगेगा तो अगर हम ध्यान से इसको देखें ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2018 उससे एक ज़्यादा यहाँ पे टू थाउजेंड का स्क्वायर उससे भी एक ज़्यादा यहाँ पर ऐसे करके आपको दिया हुआ है तो एक नंबर हम मान लेते हैं अपने फॉर एग्जाम्पल नी, नीचे ऊपर को अगर हम वन मानते हैं नीचे क्या होगा आपका टू टूजेंड एटीन है तो एक ज़्यादा तो यहाँ वन है तो एक ज़्यादा क्या होगा टू प्लस हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर दें फिर रिजल्ट जो इससे आएगा इस पर अप्लाई कर देंगे वन का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करें तो वन बाई टू और प्लस वन बाई फोर फोर प्लस फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन बाई फोर यानी थ्री बाई टू थ्री बाई टू एंड इसको लिख सकते हैं टू वन प्लस थ्री फोर बाई टू तो आंसर क्या आया मेरा टू यानी जब हम एक नॉर्मल सा डिजिट लिए वन लिए तो यहाँ पे टू आया तो मेरा आंसर जो है वो टू यानी कि टू है क्या नीचे वाला पार्ट है यही मेरा आंसर आ गया यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें टू थाउजेंड एट्टीन उससे एक ज्यादा टू थाउजेंड नाइनटीन एंड आंसर क्या हो जाएगा मेरा टू थाउजेंड नाइनटीन बस बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था ठीक है ये भी कैट का है 2019 के पेपर का मे बी ये क्वेश्चन है फाइव पॉइंट फाइव फाइव पावर एक्स इक्वल टू देखिए ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू टेन टू दि पावर थ्री वन थाउजेंड को क्या लिख सकते हैं टेन टू रिपावर थ्री क्यों लिख सकते हैं क्योंकि क्यों लिखे हैं हम ये क्योंकि यहाँ पे पावर एक्स है तो इसको भी हमको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नीचे क्या है आपका यहाँ पे क्या है आपका जीरो पॉइंट फाइव 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 पे पावर वाई इक्वल टू इसको भी लिख सकते हैं टेन टू दावर थ्री ओके अब हमको रिजल्ट क्या चाहिए रिजल्ट देखिए वन बाई एक्स चाहिए वन बाई वाई चाहिए वाई चाहिए तो एक्स है यहाँ पे वाई है यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तभी तो होगा और हम हमको पता है जो टू पे पावर टू या थ्री पे पावर टू रहता है ये ऊपर ले जाते हैं तभी माइनस में होता है यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम अगर डिवाइड कर दें एक दूसरे को डिवाइड कर दें ठीक है टेन टू पावर थ्री इसको डिवाइड कर दें तो देखिए ये दो पॉइंट से ये दो पॉइंट तो कट गया एक पॉइंट यहाँ पे बचे हैं तो एक पॉइंट ऊपर चले जाएंगे जीरो आ जाएंगे यानी कि टेन यहाँ पे आ जाएगा ये पार्ट ये पार्ट आपके खत्म हो जाएंगे यानी कि फाइव पॉइंट फाइव फाइव पर पावर एक्स ये खत्म हो जाएंगे उससे और इस वाले पार्ट को हम इधर कर सकते हैं तो एक्स वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं टेन पे पावर थ्री और एक्स वाला पावर, पार्ट इधर आ जाएंगे, तो जाते हैं. पावर वाला पार्ट इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाते हैं पावर तो वाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा पता है टू पावर टू है इन अगर एक्स है इसको अगर हम इधर लाते हैं तो ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं एक्स पे पावर वन बाई हो जाता है अगर टू पावर में है इक्वल टू के बाद जाता है तो फ्रैक्शन में हो जाता है और एक ये फ्रैक्शन में है तो इक्वल टू को पहले बाद आता है तो पावर में आ जाता है ठीक है वैसे ही हम यहाँ पे किए पावर एक्स था इधर गया तो फ्रैक्शन में हो गया तो वन बाय एक्स होगा इन टू थ्री थ्री बाई एक्स ठीक है अब ये टर्म तो आपके कट गए ये टर्म तो आपके कट गए अब ये बचे हुए हैं मेरे यहाँ वाला पार्ट बचे हुए हैं और यहाँ पे एक टेन आपका रिमेनिंग है वो बचा हुआ है टेन इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये टू डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन टू दावर थ्री बाय एक्स माइनस थ्री बाय वाई ओके अब पावर टेन पर पावर कुछ नहीं तो वन जब बेस दोनों का सेम हो दोनों इक्वल टू में हो तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं ठीक है थीके? तो पावर क्या है यहाँ पर थ्री बाई एक्स अगर थ्री को हम कॉमन ले लें तो वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल टू किसके हो जाएंगे आपके वन के तो वन बाई एक्स माइनस वन बाय वाई इक्वल टू किसके हो जाएंगे वन बाय थ्री के आंसर क्या आ गया वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल टू थ्री तो इसका आंसर क्या हुआ थ्री इसका आंसर क्या आया था टू थाउजेंड नाइनटीन ओके थर्ड क्वेश्चन को देखें आप देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री पे पावर फाइव टू पे पावर एट टू पावर टेन ये सब का वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं देखिए यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पर एट है तो हमको एक टर्म अंदर में चाहिए और वो पार्ट को हमको अलग करना है और उसके बाद उसका, उसका स्क्वायर करना है तो अगर देखें तो दो जीरो दो ज़ीरो चार छः जीरो आठ जीरो क्या हम इस टर्म को लिख सकते हैं यहीं पे सिक्स फाइव सिक्स वन इंटू टेन टू दि पावर एट अब टेन टू दि पावर एट है एट बाहर हो जाएगा तो एट से एट हट गया तो एक टेन बाहर हो जाएंगे यानी कि यहाँ पर आएंगे टेन ओके ऐसा आप करते हैं ना स्क्वायर रहता है यहाँ पे तो फोर है तो आप क्या करते हैं टू इंटू टू, टू स्क्वायर है तो दो टर्म से एक टर्म बाहर आएंगे टू वैसे यहाँ पे एट है तो एट टर्म से एक टर्म बाहर आएंगे तो दस पावर आठ से एक टर्म बाहर आएंगे कितना हो जाएगा दस इंटू अब ये क्या है अगर आप इसको ध्यान से देखिए सिक्स फाइव सिक्स वन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए डिजिटल सम इस पर हम लगाते हैं तो छः ग्यारह सत्रह अठारह यानी कि सिक्स फाइव एलेवन सिक्स सेवेंटी एटीन एटीन एट थ्री से डिवाइड है यानी कि थ्री पे पावर ही समथिंग है ये तो थ्री पे पावर हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है वो थ्री पे पावर एट है क्योंकि तो थ्री से आप काटिएगा इसको तो आपको थ्री पे पावर एट टाइम्स जाएगा तो यानी कि थ्री पावर एट है इससे एक थ्री बाहर आ जाएगा यानी कि थ्री इंटू टेन का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड इसका आंसर क्या हो गया नाइन हंड्रेड ओके अब इस क्वेश्चन की बात करें लास्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं अगर हम लिखते हैं x इक्ल टू वन प्लस देखिए ट्वेंटी है ट्वेंटी से वन ज़्यादा ट्वेंटी वन से मतलब एक एक का डिफरेंस चल रहा है यानी ए पी सी डीजे अर्थोमेटिक प्रोविजन है एक एक का आपका डिफरेंस चल रहा है यानी कि हम लिख सकते हैं अगर ए पहला टर्म है दूसरा टर्म क्या होगा आपका ए प्लस वन राइट दूसरा तीसरा टर्म ए प्लस टू तीसरा ए प्लस थ्री होगा अब इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो वन प्लस ये देखिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस थ्री ए राइट ओके अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए प्लस टू यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू ओके अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस थ्री है यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस थ्री है इस टर्म को अगर हम मान ले कुछ वन प्लस हम मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं ओके okay. अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू तो ये क्या हो जाएंगे रिजल्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन क्या होता है आपके एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन क्या होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये बराबर रिज़ल्ट क्या है मेरा ये बराबर ही तो इसका रिज़ल्ट आया है वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री इसी को तो सॉल्व करके हम ये लाएँ यानी ये बराबर हम लिख सकते हैं जो वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री होगा हम लिख सकते हैं जो ये इक्वल टू इसके होगा जहाँ पर एक्स एक्स जो है आप किसको माने ए स्क्वायर प्लस थ्री ए को माने है. अगर इसको हम इस पर ले जाएँ तो रूट अंडर आ जाएगा इस पर तो एक्स हम माने किसको हैं ए स्क्वायर प्लस थ्री यानी कि ए स्क्वायर प्लस थ्री ए और प्लस क्या है वन तो प्लस वन का जो वैल्यू होगा इस, इसके इक्वल में आएगा इसी को सॉल्व करके हम ये लाएँ ओके तो जब सॉल्व कर लाएँ तो ये मेरा एक फाइनल आंसर होगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पहले ए स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन ताकि उसको सॉल्व करके हम यही लाए हैं तो एक तो मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं या एक नॉर्मल वे में इससे सॉल्व कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन करके क्या लाए ए स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन ए का वैल्यू कितना है ट्वेंटी है ट्वेंटी ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस सिक्सटी थ्री ट्वेंटी प्लस सिक्सटी प्लस वन 461 यानी 461 आपका यहाँ पे आंसर आ गया यहाँ पे कितना आ गया 461 आपका आंसर आ गया तो इसके अकॉर्डिंग हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को और इजीली हम प्रोसेस कर सकते हैं इस पर और सारे बहुत पैटर्न बनते हैं तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन लेंगे उसको हम सॉल्व करते जाएंगे ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही थैंक यू